स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर स्लाइडिंग का मतलब स्लाइड करना, स्लाइड करना। तो जब आपकी बॉडी स्लाइड करती है तो उस केस में स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। जो हम स्टडी कर रहे हैं वो कौन से फ्रिक्शन स्टडी कर रहे हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और नेक्स्ट क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग का मतलब जो कोई टायर रोल करता है, गोल घूमता है, वो रोलिंग फ्रिक्शन है। अब रोलिंग फ्रिक्शन हम इस चैप्टर में डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि अभी हमने रोलिंग सीखी नहीं। हम सिर्फ क्या सीख कर रहे हैं इसमें? स्लाइडिंग। तो हमारा मेन फोकस स्लाइडिंग है। हाँ, एक चीज बता सकता हूं, रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है स्लाइडिंग से। रोल करवाना आसान है और स्लाइड करवाना मुश्किल है। नेक्स्ट है, इसी के अंदर कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन से छोड़ो, हम उसमें डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट इसके अंदर जो पॉइंट है जो आपने डिस्कस करना है इसमें, वो है ये, जिसमें आपको ये मेंशनड है, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल। फ्रिक्शन के फायदे बताओ, फ्रिक्शन के नुकसान बताओ। तो एडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन के। फ्रिक्शन क्या करता है? इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड दी फीट, तभी हम चल पाते हैं। फ्रिक्शन हेल्प कर रहा है चलने में। ब्रेक्स अप्लाई करते हो टायर के ऊपर, फ्रिक्शन रोकती है। वेरियस पार्ट ऑफ मशीन आर एबल टू रोटेट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड पुली। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी, पुली रस्सी के, रस्सी पुली के ऊपर घुमाओ, फिसलती रहेगी, पकड़ी नहीं होगी। फ्रिक्शन हेल्प करती है घुमाने में। टायर्स ऑफ व्हीकल रफ बनाए जाते हैं ताकि वो रोल कर पाए, नहीं तो स्लाइडिंग हो जाएगी, घिसड़ जो है स्लिपिंग हो जाएगी। नेल्स एंड स्क्रू ज्वाइन वेरियस वुडन पार्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। नेल घुसती है वुडन पार्ट में, नहीं तो नेल निकल जाएगी। एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन इट विल नॉट बी पॉसिबल टू राइट अ पेपर विद अ पेन और पेंसिल, फिसलता जाएगा पेन पेंसिल। फ्रिक्शन इज एन इविल। तो क्या है बेसिकली? डिसएडवांटेज है। पहला, वियर एंड टीयर, मशीन के पार्ट से घिस जाते हैं, वियर एंड टीयर हो जाती है। लार्ज अमाउंट ऑफ पावर इज वेस्टेड ओवरकमिंग फ्रिक्शन, में ज़्यादा पावर जो है हमें लगानी पड़ती है मशीन पे, एफिशिएंसी कम हो जाती है मशीन की। एक्सेसिव फ्रिक्शन क्या करती है? एनफ हीट, जल जाती हैं चीज़ें। फ्रिक्शन की हेल्प से मशीनरी खराब होती है, आग निकलती है, जलती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है, बिकॉज फ्रिक्शन हीटिंग इफेक्ट जनरेट करता है। मेथड ऑफ चेंजिंग अ फ्रिक्शन, मेथड फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है कैसे? पॉलिशिंग। ज़्यादा है कम करना है, पॉलिश कर दो। फ्रिक्शन ज़्यादा लेके आनी है, उसको रफ कर दो। लुब्रिकेशन, तेल डाल दो। स्टीम लाइनिंग, इसमें बेसिकली क्या, शेप ऑफ द बॉडी को ऐसा करना कि फ्रिक्शन, जैसे डिब्बा टाइप कार बनाओगे तो फिर चलना मुश्किल हो जाएगा, एयर की फ्रिक्शन को रोकेगी। स्टीम लाइन बनाओ ऐसे, इस टाइप, इस स्टीम लाइन बॉडी बोलते हैं, एयर आएगी ऐसे निकल जाएगी, हवा आएगी ऐसे शीशे टकरा के, तो इससे गाड़ी तेज चलेगी, डिजाइनिंग ऐसी है, तभी डिब्बा टाइप चलती नहीं है, राइट। नेक्स्ट है बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग साइकिल में डलते हैं किसी पार्ट में, तो वो चीज़ घूमती है तो फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है बॉल बेयरिंग की हेल्प से। तो इस तरीके से है जिसे कि काफ़ी तरीके से फ्रिक्शन को ओवरकम किया जा सकता है।